मीडिया बंधुओं का स्वागत है। मैं आरके सिंह, डीसी, डीओ एंड आरओ सिरसा और सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सिरसा, फतेहाबाद और एक सब डिवीजन आता है हमारा नरवाना का डिस्ट्रिक्ट जींद में। सभी साथी भली भांति परिचित हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए जो डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शंस है वो 16/3/2024 को दोपहर बाद 3 बजे हो चुका है। हरियाणा में चुनाव आपको पता कि 25/5 को होगा और काउंटिंग ऑफ वोट्स पूरे इंडिया में 5/6/2024 को, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगना था वो 16/3 को 3 बजे के बाद, और अंतिम रहेगा ये 6/6/2024 के, यानी कि काउंटिंग हमारी होगी 4 को, उसके 2 दिन बाद भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा ही कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए प्रेस है, विशेषकर चुनाव के अंदर, और वैसे भी सभी कहते हैं कि यह प्रजातंत्र का चौथा फिलर है, लोगों तक बात पहुंचाने का, लोगों की राय जानने का, लोगों को बताने का और उनको मोटिवेट करने का। हमारे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट सिरसा में कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता है कि एसी कौन, यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 हैं, फतेहाबाद में 3 हैं, जींद में 1 है, नरवाना, टोटल होगी हमारी 9 और 0 3 एससी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सिरसा। आज की डेट में अभी तक, हालांकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है क्योंकि अभी वोट बननी जारी है, तो हमारी टोटल 19,24,244 वोट यानी कि रजिस्टर्ड वोटर हैं 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के। 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ ये हुआ कि 0-3 सिरसा एससी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। नरवाना जींद के अंदर जो टोटल जो वोटर हैं वो 2,19,945, जिसमें से मेल 1,16,924 और फीमेल 1,03,019। इसमें एक अहम बात अब की बार ये है कि ट्रांसजेंडर यानी कि टीजी जिसको कहते हैं, जिसको थर्ड जेंडर कहते हैं, वो भी हमारे पास हैं, उसमें हमारे कुल वोटर वहाँ के 2 हैं, और जो उसमें कुल पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग बूथ, वो पोलिंग स्टेशन हैं 224 बूथ हैं और लोकेशन हैं 115। ये बता रहा हूँ आपको नरवाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की। इसी प्रकार से उसके बाद हमारा सोहाना, फतेहाबाद, रतिया जो कि फतेहाबाद की हैं, और उसके बाद आगे हमारी कालावाली, डबवाली, रानिया, सिरसा, एलनाबाद, टोटल वोट मैंने आपको बता दी है। सभी के पास एक हमने आपको लिस्ट बनाई है, जो हम आपको ये लिस्ट एक देंगे आपको, चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, इसकी हार्ड कॉपी देंगे, उसमें आर के सिंह यानी कि मैं, डीसी सिरसा इसका आरओ, विक्रांत भूषण आईपीएस आप सभी जानते हैं सिरसा के, और सुमेर सिंह जी हैं डबवाली के। इसी प्रकार से राहुल नरवाल फतेहाबाद, आस्था मोदी वहाँ की एसपी है फतेहाबाद में, मोहम्मद इमरान रजा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जींद, और सुमित कुमार आईपीएस जो कि एसपी जींद हैं। इसी प्रकार से हमारे सभी के सभी एआरओज सुरेश रावीस, अभय सिंह, सुरेश कुमार राणिया, ये तो सारे 5 के 5 यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी अलग अलग से जो जींद और जींद का एक और फतेहाबाद के 3 उनके नाम हैं। इनमें जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स होंगे, स्ट्रॉन्ग रूम होंगे, नरवाना का होगा हिंदू कन्या महाविद्यालय, पहले नरवाना का, आज से पहले फतेहाबाद के अंदर बनता था, पहली बार वहां के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन हो, यानी कि डीसी ने डिसाइड किया है कि वो हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद के अंदर होगा। टोहाना, फतेहाबाद और रतिया तीनों का होगा मनीराम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, एक है वहां पे जिसको बोढ़िया खेड़ा गांव के अंदर बना हुआ है, तो वहां पे वहीं पे होगा। कालावाली के अंदर मूटकोट, ये हमारे जो चारों गचारे हैं सारे के सारे हमारे सिटी एलयू के अंदर बने हुए हैं, ठीक है अजीब साहब। इसके अलावा जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं उसके नाम, एडिशनल सीओ, ज्वाइंट सीओ और दूसरे ज्वाइंट सीओ, इन सभी के नंबर हमने आपको इसके अंदर, इस कॉलेज के अंदर दिए, जो आपके व्हाट्सएप में मिल जाएगा। इसके अलावा आप सभी से एक नम्र निवेदन ये है कि आपने लोगों को मोटिवेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को लिखना है कि वोटिंग वाले दिन यानी कि 25 मई को
लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर आए और अपने मत का प्रयोग करें। 85+ यानी को अब पहले 80 वर्ष की थी जो बुजुर्ग आदमी थे, अब वो 85+ हो गए हैं, उनके लिए हम सुविधा देंगे, उसके लिए हम सुविधा देंगे कि उनकी वोट घर पे ही डाली जा सके। उसके बाद हमारे साथ साथ हमारे कुछ ऐसे डिसेबल्ड, स्पेशली डिसेबल्ड, जिनको हिंदी में कई बार हम अपाहिज भी कह देते हैं, उनको भी ये सुविधा देंगे कि वो अपने मत का प्रयोग घर पे ही कर ले, हमारा BLO जाके उसके मत का प्रयोग कराएगा। अगर उसने एक बार ये प्रेफरेंस दे दी कि वो मत का प्रयोग घर पे करेगा या करेगी, तो उसने वहीं पे करना पड़ेगा, उसके बाद वो बूथ पे आके अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हम AMC एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हर बूथ पे देंगे, जिसमें लाइट, पानी, बिजली, रैंप और एक व्हीलचेयर भी, अगर कोई बुजुर्ग आदमी आता है जिसको ऐसी दिक्कत आएगी, वो देंगे। साथ में, क्योंकि गर्मी हो जाएगी, छाया का प्रबंध वहां पे हर रूप में हर प्रकार से रहेगा। ये हमारी एक मोटी मोटी सी बात थी MCC के बारे में। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अभी अभी एक बैठक की है, और जो प्रिंटिंग प्रेस की, जो प्रिंटिंग प्रेस जो पूरे जिले के अंदर है, उसकी बैठक हम इसके तुरंत बाद करेंगे। उसमें हम ये कहेंगे कि जो भी आपने प्रिंट करना है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मेरा निवेदन है, आप इस बात को भी जन जन पहुंचाओगे कि सोशल मीडिया पे कोई भी एग्रेसिव बात जो पेड आती है, तो उसको हम उसके खर्चे में जोड़ देंगे। ऐसे ही प्रिंट मीडिया वाला बिना किसी नाम के ये नहीं कहेगा ये प्रिंटर है, XYZ प्रिंटर, फलाना फलाना फलाना, ताकि उसको हम उसके अंदर जोड़ सकें। आप सभी को पता है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो लिमिट है वो 95 लाख रुपए है। अगर उससे आगे ज्यादा खर्च करेगा कैंडिडेट, तो वो रजिस्टर में जुड़ जाएगा और आगे के ऊपर केस चलता, आपको पता ही है। और आजकल ये प्रूव हो चुका है, अगर वो ज्यादा पैसे खर्च करेगा और बताएगा नहीं और प्रूव हो जाता है वो, तो हम उसको, हम मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको उसकी जो कैंडिडेचर है और जीता हुआ इलेक्शन भी वो हार सकता है। ऐसे हमारे उदाहरण ऐसे भी आ चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी हार चुके हैं, विशेषतः उमलेश यादव उत्तर प्रदेश की जो कैंडिडेट साहिबा थी। इसके अलावा हमारे जो एक विशेष बात जो हम बताना चाह रहे थे आपको, टोटल जो हमारे बूथ बनते हैं, टोटल जो हमारे पोलिंग बनते हैं 1035 और 1890 बूथ हो गए और स्टेशन हो गए 1035। ये सिर्फ शीर्षक है सारे हैं भाई, टोटल है हमारे, ये टोटल हमारे यानी कि पूरी 03 सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। हमने आपको सारी लिस्ट प्लस मेल और फोन नंबर इस कागज के अंदर दिए हैं। हम आपको चाहेंगे कि आप गाये बगाए एक बार तो जरूर लगाओ कि इस अफसर का ये नंबर है, अगर ये दिक्कत आए तो ऑफिस पर दे दे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ के भी हैं, यहाँ के ARO भी हैं, और DC राहुल नरवाल का नंबर, मेल, ये सब कुछ आप अखबार के थ्रू जरूर लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोगों को पता लग जाए कि हमें की दिक्कत है। दूसरा एक विशेष बात, 1950 नंबर हमारा फंक्शनल है। आपसे निवेदन है कि कभी आप कॉल करके देखें, और ना हो तो मुझे बताएं, अखबार में लिखने से पहले मुझे बता दें। वैसे तो काम कर रहा है 100%, आपको बताएगा, आपका नोट करेगा। ये हमारे हरियाणा के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं श्री अनुराग अग्रवाल जी, उसका नंबर, उसकी मेल, ये हमने सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अब आपसे निवेदन है कि कोई भी उसके लिए क्या निर्देश दिए गए? उसके लिए हमने MCC की कॉपी दे दी गई है, उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन, जो अभी हमने आपकी बार आज से पहले प्रेजेंटेशन नहीं देते, लेकिन आपकी बार हमने प्रेजेंट करके बताया कि हमने क्या क्या करना है। कि आपने कोई भी पेस्ट पोस्टर बैनर लगाना है तो सिर्फ वही लगाएंगे जहाँ पे हमने जगह सुनिश्चित की है। उनको खर्चा बता दिया, उनको रजिस्टर बता दिया, 3 प्रकार के रजिस्टर होने चाहिए, आपका बैंक अकाउंट अलग होना चाहिए, हर चीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हमने उनको बता दिया, प्लस उनको कॉपी भी दे दी है। सोशल मीडिया पर तो विशेष निगरानी ये रहेगी, जहां पे पेड, दो पॉइंट मैं क्लियर कर दूं यहां पे, जहां पे पेड कंटेंट होगा या कोई भी ऐसी चीज, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जिससे
सोशल एमोसिटी यानी कि ऐसी दिक्कत आएगी, दुर्भावना होगी, उस पर विशेष नज़र रहेगा। वो नज़र ये रहेगा उसकी जो सोशल मीडिया सेल की, जो सोशल मीडिया सेल हमारा है उसका हमारे DIO, उसका यानी कि कमेटी का चेयरमैन है और उसके साथ एक प्रोफेसर है हमारे CDLU के। इसका अर्थ मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको, एक ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ ये है कि हम सभी लोगों की जो एक्स चैनल है या दूसरे हैं उस पर भी नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सिरसा का जो आम या आम जनजन से संबंधित है उसके भी हम चैनल पर नजर रखेंगे। और आपसे निवेदन जरूर है कि आप बताओ सर, ये भाजपा कार्यालय के सामने क्या है आज का, अभी का, उसके साथ बाकी जगह दबाव शुरू कर दिया और ये बिल्कुल वैसे वैसे ही दिखा रहा है क्या, एक बार कोई स्लोगन है बीजेपी का? ठीक है, बिल्कुल सामने आज भाजपा का ये तो कटेगा भाई। हाँ। नहीं तो मैं नहीं करूँगा सर। एक जो चुनाव आचार संहिता लागू हुई तो कुछ जैसे टेंडर्स थे, तो जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना था उसका टेंडर दोबारा वो बाद में रद्द हो गया, अपनी टेक्निकल वजह से दोबारा लगा भी लिया गया है, तो क्या इसकी प्रक्रिया अब जारी रहेगी? वो चुनाव आचार संहिता MCC के द्वारा दो प्रकार के काम होते हैं, हमारी टीम तैयार कर रही है उसको, एक काम तो शुरू हो चुके हैं वो जारी रहेंगे, नया काम इस दौरान शुरू नहीं होगा। जैसे ये अभी मंजूर हुआ नहीं है, टेंडर अभी लगाया गया है दोबारा, तो क्या अब ये चुनाव आचार संहिता के तहत आएगा या नहीं आएगा? ये हमारे स्तर पर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के स्तर पे है। अगर वो करेंगे तो उसकी परमिशन ले लेंगे इलेक्शन कमीशन से, नो इशू। दूसरा, कोई भी अगर शिकायत जैसे दर्ज कराना चाहे आप तक, तो क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया आपने या क्या कोई नंबर दिया ऐसा कुछ? नहीं, आज एज पत्रकार या आम आदमी? एज पत्रकार तो हमारा DPRO है, 24/7 अवेलेबल। जैसे आपके पास कोई सूचना देना चाहें, टोल फ्री एक नंबर आपने जारी किया हो, नंबर जारी किया हो? एक तो 1950 हमारा अवेलेबल है, एक तो मैं प्लीज, नहीं नहीं 1950 बाकी आप देखो नोट होगा आपका कभी भी। अच्छा चलो, आप एक काम और करो, ये भी नोट कर लो, चलो अच्छी बात है आपने, आप एक बार 1950 पर कंप्लेंट भी करके देखो और उसमें नोट भी उनके नोट हुई है कि नहीं हुई। हाँ अभी कर लो आप, तो आप CVJIL पे करो, 100 मिनट के अंदर कवर करेंगे हम, CVJIL ऐप डाउनलोड कर लो। अच्छा तो कोई एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते, आप CVJIL पे करो ना, आप ऑनलाइन ही रहेगा आपका, ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते, डायरेक्ट TCI भी देखेगा आपको इलेक्शन। CVJIL आप एक बार प्लीज, रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी CVJIL डाउनलोड कर लो, आप जाइए उसके अंदर ऐप के अंदर CVIGIL कर दो डाउनलोड, यार कोई हो तो उसको बोला एक को करवा के दिखा दो, किसी को भी बीए को बोला एक बार, अभी करवा देते हैं CVJIL। कुछ ऐसी आपने पूरे जिले की लिस्ट बनाई है जिसमें संवेदनशील गांव या अति संवेदनशील गांव हो? एक लिस्ट होती है क्रिटिकल करूँ बहुत सी, अभी वो लिस्ट एक बार SP साहब की तरफ से आता है, फिर उसको फिर फाइनलाइज किया जाता है। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम रहेंगे? सिक्योरिटी के तो सारे SP साहब को पता है, हम आपको बता के एक टीम के साथ एक पुलिस वाला जाता है, जेट सिक्योरिटी वाला बूथ के अंदर कोई भी उन लेके जा सकता, ना मोबाइल ले जा सकता, आर ओ उसको PO को छोड़ के, और अगर सिर्फ जेट सिक्योरिटी वाला एक अंदर जाएगा बूथ के अंदर, बाकी कोई नहीं जा सकता, पत्रकार भी नहीं जा सकते, आपको पता है। CVJIL VIGIL CVJIL। इसी साथ एक चुनाव में पैसे और शराब का खेल काफी होता है जी, उसको रोकने के लिए क्या? उसके लिए जी हमारे पास कई प्रकार की टीम बनाई गई है। एक तो मैं एक बात बताऊं कि ये हमारे लिए पूरे इंडिया में ही है, और मैं ये भी नहीं कहता कि कोई हमारे कलाकार है ना, ये सारा का सारा मॉनिटर किया जाता है ECI से। ECI ने एक तो फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई है और हमारी तैयार है, कहीं लगे आपके निवेदन तो आपसे निवेदन आप जरूर बताइए, आपके 2-3 सोशल ग्रुप का मैं, आपके पत्रग्राह ग्रुप का मैं मेंबर भी हूँ, दो ग्रुप हैं आप लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, उनका मेंबर भी उस पर डायरेक्ट डाल दीजिए।
तो वो हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जो आप बात कर रहे हो कि अगर कोई भी दारू की पार्टियां को दूसरे काम करेगा वो बाकायदा फ्लाइंग स्क्वाड टीम उसको ध्यान नजर रखेगी और उसको हम खर्चे के अंदर जोड़ेंगे, एक बात। दूसरा आपका पहलू मेरे ख्याल से ये होना चाहिए आपके सवाल का कि अगर कोई इलीगल ट्रांसपोर्ट करता है तो दारू का, इलीगल से मतलब क्या हुआ, वो राजस्थान से आ रही है, पंजाब से आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई ट्रांसपोर्ट है क्योंकि रेट में ही मेरे ख्याल हमारे रेट में ठीक है। यंत्र है कुछ अजीम साहब, नज़दीक कौन लगता है पंजाब के आपका अजीम साहब, कुछ डिफरेंस है? तो उसमें मेरे ख्याल कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरी बात यह है कि फिर जो जो अहम बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन बार बार रिपीट करता है कि प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आवर आईज, फिर कुछ थोड़ी चीज कुछ आप बताओगे तो भी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ये भी आपसे नम्र निवेदन है कि आप जरूर बताइए कौन दारू किस प्रकार से यूज कर रहा है। ये सिर्फ ठेकों की भी मॉनिटरिंग की जाएगी उसमें इलेक्शन के दौरान उनकी जो है स्टॉक कम है या ज्यादा है? डेफिनेटली डेफिनेटली, तो प्रोविजन है, डेफिनेटली तो हमारे डीटीसी उसके नोडल अफसर है, डीटीसी एक्साइज आरओ को आरओ उसको पीओ को छोड़ के, और अगर सिर्फ जेड सिक्योरिटी वाला अंदर जाएगा बूथ के अंदर, बाकी कोई नहीं जा सकता, पत्रकार भी जा सकते हैं, आपको पता है सी विजिल VIGIL सी विजिल। इसी साथ एक चुनाव में पैसे और शराब का खेल काफी होता है जी, उसको रोकने के लिए क्या? उसके लिए जी हमारे पास कई प्रकार की टीम बनाई गई है। एक तो मैं एक बात बताऊं कि ये हमारे लिए पूरे इंडिया में है ये, और मैं ये भी नहीं कहता कि कोई हमारी कलाकारी है ना, ये सारा का सारा मॉनिटर किया जाता है ECI से। ECI ने एक तो फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई है और हमारी तैयार है, कहीं लगे आपके निवेदन तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर बताइए, आपके 2-3 सोशल ग्रुप का मैं, आपके पत्रग्राह ग्रुप का मैं मेंबर भी हूं, 2 ग्रुप है आप लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, उनका मेंबर भी उस पर डायरेक्ट डाल दीजिए। तो वो हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है जो आप बात कर रहे हो कि अगर कोई भी दारू की पार्टियां को दूसरे काम करेगा वो बाकायदा फ्लाइंग स्क्वाड टीम उसको ध्यान नजर रखेगी और उसको हम खर्चे के अंदर जोड़ेंगे, एक बात। दूसरा आपका पहलू मेरे ख्याल से ये होना चाहिए आपके सवाल का कि अगर कोई इलीगल ट्रांसपोर्ट करता है तो दारू का, इलीगल से मतलब क्या हुआ, राजस्थान से आ रही है, पंजाब से आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई ट्रांसपोर्ट है क्योंकि रेट में ही मेरे ख्याल हमारे रेट में ठीक है। यंत्र है कुछ अजीम साहब, नज़दीक कौन लगता है पंजाब के आपका अजीम साहब, कुछ डिफरेंस है? तो उसमें मेरे ख्याल कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरी बात यह है कि फिर जो जो अहम बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन बार बार रिपीट करता है कि प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आवर आईज, फिर कुछ थोड़ी चीज कुछ आप बताओगे तो भी हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ये भी आपसे नम्र निवेदन है कि आप जरूर बताइए कौन दारू किस प्रकार से यूज कर रहा है। ये सिर्फ ठेकों की भी मॉनिटरिंग की जाएगी उसमें इलेक्शन के दौरान उनकी जो है स्टॉक कम है या ज्यादा है? डेफिनेटली डेफिनेटली, तो प्रोविजन है, डेफिनेटली तो हमारे डीटीसी उसके नोडल अफसर है, डीटीसी एक्साइज इज द नोडल ऑफिसर, और यही है नहीं कि सिर्फ हम जो इंटर स्टेट सिक्योरिटी ड्रग्स और ये जो लीकर है इन सभी को लगातार मॉनिटर करके अंदर, जिसमें कि दो एक SP DCSP यहाँ का हो गया, हनुमानगढ़ का हो गया, गंगानगर का हो गया, मानसा का हो गया, बठिंडा का हो गया, और एक डिस्ट्रिक्ट और है, सभी साथ साथ काम करते हैं, और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू के साथ साथ अब हम पर्सनल मीटिंग भी करने जा रहे हैं, वो हमारे पास आएंगे और हम उनके साथ जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कल काफी सारे वो देख के आऊ नाके संग्रिया साइड में जाके, अभी तो रहते हैं काफी, मैं पूरा का पूरा जो अपना वो जितनी भी बाउंड्री लगती है वो बाउंड्री अगले 2-4 दिन के अंदर सो हम कवर करेंगे हर हालत के अंदर। एक सर, पेड यूज की पहचान का पैमाना क्या रहेगा? देखो ऐसा सवाल हमारे ऐसे साथी ने पूछा है जो उसका जवाब उन्हें खुद देना चाहिए। नहीं, आप तो हम तो समाचार छापते हैं, कोई आपको कहे ये पेड़ है तो उसका आकलन आप किस तरीके से करेंगे?
नहीं 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 नहीं, वो चीज मैं पहले थोड़ा बताऊंगा आपको, वो तो कार्रवाई के बाद बताऊंगा आपको मैं। आप जनता को शिकायत कैसे करेंगे? आपको उसने समाचार पत्र पढ़ लिया जनता ने। देखो अगर ये सवाल आम आदमी करे तो अच्छी बात है, पत्रकार ये सवाल करे तो बात बनती नहीं। अल्टीमेटली सुनो एक मिनट, अल्टीमेटली ये प्रिंट किसने करना है आप ये बताओ, आप सभी साथियों में से कोई प्रिंट करेगा? नहीं सर, आप इस टाइम ले गए, मान लो अशोक तंवर ने जनसभा कर ली, ये बोल दिया वो बोल दिया, पत्रकारों ने छाप दिया, अब आम पाठक को ये लगे नहीं इस प्रकार से वो ज्यादा वो कर रखा है तो उसको भेजना आ जाएगा। ये पूछ रहा हूँ सर, कुछ कंटेंट ऐसे ताकि आम जनता को पता लगे, वो आपको शिकायत भी करे, पर आम जनता को पता नहीं लगे तो क्या कहा जाए? आम जनता को सब कुछ पता है, देखो 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 मैं इसको आपसे ज्ञान ले रहा है सर, जानकारी मैं आपका कह रहा हूँ, मुझे सारा ज्ञान है सर, मैं तो आपका प्रशासक किस क्या कह रहा हूँ, हर बार शिकायतें भी होती है, जैसे आपने कहा तो आपके नहीं, चलो मैं ये बात नहीं कह सकता, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा है कि आप जो बात एक्सप्लेन करवाना चाहते हो ना, हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं कि जहाँ पे पेट का पता लग जाएगा। अब बताता हूँ आपको मैं कैसे, अब क्लियर क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ आपको, इस चीज को रिकॉर्ड करो आप। जब लगातार आप 3-4 न्यूज इकट्ठी छापते हो ना और उनको ऊपर नीचे करते हो, आप कौन से अंतरिया में होगे जो पता लग जाता आपको? आपका नहीं कह रहा मैं बात, कोई प्रिंट करने वाला, आप कौन से, मैं कौन सा अंतरामी हूं कि अगर कोई मुझे ये लिखे चार आदमी बैठे हैं, ये 5 आदमी, कि ये जीतेगा ये हारेगा, ये जीतेगा ये हारेगा, आपको डाटा, यू आर नॉट, लिखने वाला कोई सिफोलॉजिस्ट है नहीं भाई, जो सिफोलॉजिस्ट होता है उसके पास डाटा होता है। सिफोलॉजिस्ट कौन होता है? दो चुनाव का आकलन डाटा के आधार पर करता है। वो कैसे करता है? उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट पूरी लिस्ट होती है उसके पास, वो कहां जाता है? वो जाता आम जनता के पास। मान ले के 100 गांव हैं, 100 गांव के अंदर 10,000 आदमी हैं, 10,000 का उसका सैंपल होगा बायकायदा, 5,000 से लेता है, 6,000 से लेता है वो। और वो एक बात और बताऊं, वो जब तक डाटा जारी नहीं करेगा, जब तक वो साइन नहीं कर ले, उदाहरण के तौर पर के मैं इस साथी से पूछना चाह रहा हूँ सेठी जी से, सेठी जी कहता है मैं तो ए के पास जाऊंगा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानूंगा जब तक ये साइन ना करके दे, तो ये तो हो गया सिफोलॉजिस्ट। ये किस, जिसने ये अगर ये लिख दिया एक ही लाइन में, ये जीत गया ये हार गया, ये पेड़ है सारा, बहुत सिंपल